कंगन की जगह छोटी छोटी नागनियों को पकड़ लिया और छोटी छोटी नागनियों को पकड़ के अपने महाराज हाथ में लपेट लिया और जो हाथ में नागनियों को लपेटा महाराज ऊपर से बिच्छुओं को लगा लिया। अब महाराज कहने लगे देखो जी मेरो यो कंगन। अब देवियां कहने लगी कंगन हो गया? बोले बाबा बोले हाँ ये मेरा कंगन हो गया। अब देवियां बोली महाराज तुम्हारी तो लीला ही न्यारी है, तुम चाहे सांप बिच्छू लपेटो चाहे तुम कछु करो लेकिन तुम दूल्हा बन जाओ। अब महाराज सांप बिच्छू लगा लिए हाथ में गले में भी सर्पों को डाल लिया ऐसे दूल्हा बने भोले बाबा। जब दूल्हा बन गए अब इधर महाराज कैलाश पर्वत पे भूत प्रेतों को पता चली। कैलाश पर्वत पे भूतों को ये पता चली क्या भोले बाबा जो है वे बराज में लेके हिमांचल नगरी में जा रहे। तो महाराज भूत प्रेत आपस में कान लगे अरे भैया भोले बाबा बराज लेके जा रहे और चुप्पी चुप्पा जा रहे हमें नहीं निभाए जा रहे भैया जल्दी से चलो बरात में कछु हो जाए चलिए जरूर। अब महाराज जो इतने वचन कही के बरात में जरूर चलेंगे सो जितने भूत प्रेत रहे सो महाराज सब नाचते हुए कूदते हुए और ऊधम करते हुए कैलाश पर्वत पे आए गए भोले बाबा के पास में। और जो भोले बाबा के पास में भूत प्रेत आए तो भूत प्रेत कहने लगे कहो महाराज चुप्पी चुप्पा ब्याह करने को जा रहे हो हमें नहीं अपने संगी लिवाए चलियो बरात में नहीं लिवाए चलियो। अब जो भूत प्रेतों ने इतने वचन कहे कि हमें नहीं ले चलोगे तो भोले बाबा बोले हाँ जरूर लिवाए चली तुम लोग चलो हम तो बरात लेके जा ही रहे हैं तो तुम लोग चलो। अब महाराज जो भोले बाबा ने इतने वचन कहे कि तुम लोग चलो तो महाराज बरात की जितने भूत प्रेत रहे सो बड़े खुश भए कि आज हम बरात जाइए और अच्छो अच्छो खाइबे को मिलिए क्योंकि कहा जाता है कि महाराज अगर काऊ गाँव से कऊ लड़का की बरात अगर जावे बुजुर्गो अगर काऊ गाँव से कऊ लड़का की बरात जावे तो बरात में जाइबे की खुशी बहुत होते चाहे नव होवे चाहे महाराज जवान होवे चाहे